भक्तिमयी भजन सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और सबसे पहले नए वीडियोस देखने के लिए क्लिक करें नोटिफिकेशन बेल पर। सनातन धर्म में मथुरा और वृंदावन का विशेष महत्व है। मथुरा जहाँ कंस के कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, आज भी भगवान श्री कृष्ण की यह जन्मभूमि हिंदुओं के धार्मिक आस्था का केंद्र बना हुआ है। दुनिया भर से श्रद्धालु श्री कृष्ण जन्मभूमि का दर्शन करने के लिए यहाँ लाखों की संख्या में पहुँचते हैं। इस विशाल जन्म स्थान को देखकर सहज ही ये अनुमान लगाया जा सकता है कि किसी समय में ये अवश्य ही कंस का कारागार रहा होगा। अपनी विशालता और मजबूती के लिए यह स्थान विश्व प्रसिद्ध है। इसकी ये ऊंची ऊंची दीवारें और उस पर लिखे ये उपदेश अपने आप आपके मन को झकझोर देता है। मथुरा और वृंदावन की कथा का श्री गणेश इसी जन्मभूमि से शुरू होता है। द्वापर युग में एक महान क्रूर शासक हुआ करता था, उसका नाम था कंस। बड़ा ही क्रोधी और अत्याचारी शासक था कंस। उसकी एक बहन थी जिसको लोग देवकी के नाम से जानते हैं। देवकी का विवाह कंस ने बड़े धूमधाम से वासुदेव के साथ किया। जब वासुदेव और देवकी की विदाई होने लगी, उसी समय एक आकाशवाणी हुई, कंस जिस बहन की शादी करके तुम फूले नहीं समा रहे हो, उसी के गर्भ से जन्म लेने वाला आठवां संतान तुम्हारा बद्ध करेगा। मृत्यु के भय से भयभीत कंस ने अपने बहन और बहनोई को बंधक बनाकर कारागार में डाल दिया। कहते हैं इसी कारागार में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। अमावस की अंधेरी रात में एक अद्भुत तेज पुंज का अवतरण हुआ, जिसे लोग भगवान श्री कृष्ण के नाम से जानते हैं। बुद्धिजीवी जिसे जेल में जन्म कहते हैं, भक्त उसी को कारागार में अवतार कहते हैं। जो भी हो, श्री कृष्ण सदा ही सारी दुनिया को आकृष्ट करते रहे हैं। जिस जगह जेल को भी मंदिर बनाकर ऊंचा जाता हो, उस स्थान की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। जैसे काली अंधेरी रात के बाद आने वाली उषा काल लोगों को आकर्षित करती है, ठीक उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण के जन्म एवं जीवन से जुड़ी हर एक वस्तु लोगों को अपनी ओर खींचती प्रतीत होती है। ऐसी अनुभूति होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि कृष्ण का अर्थ ही आकर्षण होता है। इस जन्मभूमि पर पहुंचकर यात्री अपने श्रद्धा अनुसार फल इन उपदेशों में पाते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि आज भी विवादित है। कंस और कौरव जैसी ताकतवर शक्तियां जब उन्हें कैद करने में असमर्थ रही, तो ये आज के अल्प ज्ञान और अल्प आयु जीव भला उन्हें कैसे कैद कर सकता है। जैसी बात उन्होंने गीता में कही, वैसी ही बर्ताव वो आज भी अपने चाहने वालों के साथ करते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वृंदावन के बारे में जितना भी कहा जाए कम होगा। श्री राधा कृष्ण की पावन लीला की साक्षी इस परम पुनीत नगरी में मानव को कौन कहे, देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं। पृथ्वी पर बसने वाले 84 कोस का यह ब्रजमंडल 84 लाख योनियों के उद्धार का केंद्र है।
यहाँ आकर भक्त हृदय में भगवान का वास हो जाता है। आइए आपको 84 कोस में ब्रजमंडल के मोर मुकुट श्री राधा वल्लभ जी की झांकी दर्शन करने के बाद आगे ले चलेंगे। मंदिर की सीढ़ियों को चढ़ते ही भक्त एक प्राचीन महल के गलियारी में प्रवेश करते हैं। वैसे इस अंधकार में कुछ अद्भुत संत महात्मा बैठे रहते हैं, जिन्हें आने जाने वाले श्रद्धालु कुछ पैसा दे देते हैं। यहाँ से राधा वल्लभ जी के मंदिर की परिक्रमा शुरू होती है। यहाँ आते ही भक्त भाव विभोर होकर राधा वल्लभ जी की जय, श्री हित हरिवंश जी की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री वनचंद्र भगवान की जय का जयकारा जोर जोर से लगाते हैं। भगवान श्री राधा वल्लभ जी की एक मनमोहक झांकी निकलती है, जिसकी मनोरम छवि सबके मन को अपने आप मोह ले। महाराज जी, आप जो ये 84 कोस की यात्रा पे चले हैं, कहाँ से चले हैं और आपकी यात्रा कब तक चलेगी? इस यात्रा का इतिहास क्या है? राधा वल्लभ मंदिर का इतिहास क्या है? और विस्तृत रूप से जो देश विदेश में हमारे दर्शक अभी आपको देख रहे हैं, उनको आप इस पूरी यात्रा के बारे में बताने की कृपा करें, अपना परिचय देते हुए। बोलिए, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री धर्मंश महाप्रभु जय। भगवान श्री कृष्ण के वंशी अवतार प्रसावतार श्री धर्मंश महाप्रभु, जिन्होंने श्री राधा वल्लभ लाल के स्वरूप का प्राकट किया। श्री राधा रानी का जो प्राकट है वो भगवान श्री कृष्ण के हृदय से। भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम है वह द्रवीभूत रूप से श्री यमुना जी के रूप में विद्यमान है और घनीभूत रूप से श्री गिरिराज जी के रूप में विराजमान। जहाँ तक इस श्री व्रत 84 कोस परिक्रमा का प्रश्न उठता है, तो इस परिक्रमा का एक ही ध्येय है कि भगवान श्री कृष्ण से अनंत काल के लिए जीव का मिलन हो जाए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण में ही सारे देवी देवता आदि अनंत ब्रह्मांड सभी कल्पित। तो ऐसे जो सारे स्वरूप को रसावतार श्री हितरवंश महाप्रभु ने एक दिव्य उपासना के रूप में प्रकट किया। आप इस व्रत 84 कोस की परिक्रमा के विषय में पद्म पुराण में ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला का संवरण कर अंतर ध्यान हो गए, तो भगवान की जो रानियां थीं उनको भगवान से वियोग का अनुभव हुआ और उन्होंने वैधव्य धारण कर लिया, अर्थात मांग नहीं भरना, बिंदी नहीं बनाना, बिछुआ नहीं पहनना, पाजेब नहीं पहनना। तो यह सब भगवान श्री कृष्ण की आस में ब्रज में आई, तो यहाँ इन्होंने गोवर्धन के पास कुसुम सरोवर है, वहाँ पर श्री यमुना जी को दिव्य 16 श्रृंगार धारण करे हुए देखा, तो इनको बड़ा आश्चर्य हुआ। कहने लगी कि आपके नाथ तो अंतर ध्यान हो गए, अपने धाम को चले गए और आप सुहाग के चिन्ह धारण किए हुए। तो श्री यमुना जी ने कहा कि हे रानियों, तुम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप को नहीं समझते हो। वृंदावनम न परतेज पाद वेकम न गच्छति, भगवान एक पग के लिए भी इस वृंदावन धाम से अलग नहीं होते हैं। तब उनको पुनः प्राप्त करने के लिए श्री यमुना जी ने इनको उपदेश दिया कि तुम इस व्रत 84 कोस की परिक्रमा करो, इससे तुम्हारा अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण से मिलन होगा। इन सब 16,000 रानियों ने और इस व्रत 84 कोस की परिक्रमा की है। परिक्रमा के फल स्वरूप इनको इनके प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण प्राप्त हुए और यह परम सौभाग्यवती हो गई, सौभाग्यवती हो गई। ऐसा इस व्रत 84 कोस का महात्म्य। इस व्रत 84 कोस में 4 रानियां हैं। सबसे पहली रज रानी हैं,
दूसरी वृंदावन रानी है, तीसरी श्री यमुना रानी है और चौथी श्री राधा महारानी। तो हम इस रज को प्रणाम करते हैं, इस धाम में निवास करते हैं और फिर भगवान के प्रेम में पकते हैं, तब जाकर हमको श्री राधा रानी की चरण शरण प्राप्त होती है, जिससे हम अनंत काल के लिए शाश्वत रूप से भगवान श्री कृष्ण से मिलते हैं। तो यह श्री राधा वल्लभ लाल का स्वरूप अपने आप में संपूर्ण है, क्योंकि यह प्रभु से मिलाते हुए और हमको उनकी निज सेवा, उनका ध्यान, उनका आराधन और उनके प्रेम का जो दिव्य स्वरूप है उसका दर्शन कराता है। आज की यात्रा जो पहली यात्रा है, तो आज की यात्रा में कहाँ कहाँ हम यात्रा करने के लिए 84 कोस में आप जा रहे हैं? देखिए, आज की यात्रा हमारा 10 दिवसीय कार्यक्रम है और इस 10 दिवसीय कार्यक्रम में पहले बड़े प्रेम से हम श्री यमुना जी का पूजन करते हैं। इन्हीं यमुना जी की आज्ञा लेकर, इन्हीं का आशीर्वाद लेकर ही इस यात्रा पर हम चलने के अधिकारी बनते हैं। यहाँ सभी जो है संकल्प लेते हैं ये लौकिक रूप से, लेकिन पारलौकिक रूप से प्रणाम करने से ही, स्मरण करने से ही काम चल जाता है। श्री यमुना जी के महात्म्य आता है कि इनका स्मरण लो या इनके दर्शन करो या पान करो, तीनों का समान फल है। आज आप देख रहे हो जो प्रदूषण के कारण श्री यमुना जी की क्या हालत है, वह हालत कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आजकल भक्ति में इतना प्रदूषण है तो आप देखिए श्री यमुना जी में भी प्रदूषण है। लेकिन इनका जो दिव्य स्वरूप है, यदि हम अपने सत्य के मार्ग पर चलते हैं, अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो हमारी भक्ति में ये प्रदूषण नहीं रहता है। ये तत्व की बात है। कल गोकुल दाऊ जी, हम मानसरोवर श्री राधा रानी की जो है मानपीठ है, मुख्य स्थान है, इसका बरसाने और श्री रावल से कम महत्व नहीं है। मानसरोवर यमुना जी के पल्ली पार है, यह हितरवंश महाप्रभु की भजन स्थली भी है। वहाँ से हम दर्शन करेंगे, फिर भांडियावरम जाएंगे जहाँ प्रिया प्रीतम का ब्रह्मा जी ने विवाह कराया है, बंसीवट जहाँ भगवान गौचारण करते थे, बंसी बजाते थे, फिर रावल जाएंगे, यहाँ श्री राधा रानी अपने ननिहाल में प्रकट हुई हैं, फिर गोकुल में जाएँ दर्शन करेंगे, वहाँ पर ठाकुरानी घाट जो बल्लभाधीश ने प्रकट किया है, फिर दाऊ जी महाराज के दर्शन करेंगे क्योंकि वो तो ब्रज के राजा हैं, उनको प्रणाम करेंगे और फिर राधे राधे करते हुए ब्रह्मांड घाट और महावन जाएंगे, रमण रेती जाएंगे, अन्य जो स्थान है उन सब का दर्शन करते हुए लौटकर फिर वृंदावन आ जाते हैं। फिर द्वितीय दिवस में मथुरा बादक ग्राम हितरवंश महाप्रभु की जन्मस्थली, वहाँ दर्शन करते हैं। तृतीय दिवस में गोवर्धन राधा कुंड आदि स्थानों के दर्शन करते हैं। चतुर्थ दिवस में चारों धाम की यात्रा होती है, जिसमें गंगोत्री, जमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, इनकी दर्शन करते हैं। पंचम दिवस में कामवन जाते हैं, कामवन अपने आप में बड़ा दिव्य स्थान, उसको भी दूसरा वृंदावन। फिर बरसाने के दर्शन करते हैं सप्तम दिवस में, सप्तम दिवस में नंदगांव के दर्शन करते हैं, अष्टम दिवस में यहाँ चीरघाट और ऐचा दाऊ जी, खेलन वन, बिहार वन, शेरगढ़, शेष साई भगवान, इनके दर्शन करते हैं और इसका समापन जो है श्री राधा वल्लभ लाल के ब्यावला उत्सव और वृंदावन की परिक्रमा करके हम इसका समापन करते हैं। ये हमारा कार्यक्रम। वृंदावन के इस प्राचीन श्री राधा वल्लभ मंदिर को 84 कोस के ब्रज मंडल में सबसे प्राचीन मंदिर का दर्जा मिला हुआ है। श्री बनचंद्र भगवान श्री राधा वल्लभ जी की महिमा भी इनकी मूर्ति की तरह ही लोगों का मन मोह लेती है। राधा वल्लभ लाल इस श्री वृंदावन के सर्वप्रथम मंदिर राधा वल्लभ लाल का,
इनसे पहले यहाँ ना कोई भक्ति ना कुछ। 5,500 साल पहले ठाकुर जी ने लीलाएं करी, लेकिन श्री हित हरिवंश महाप्रभु ने 550 साल पहले इसका पुनर्स्थापना करी इस श्री वृंदावन की। इनसे पहले कोई नहीं जानता था कि ये स्पॉट वृंदावन है। वृंदावन भागवत में पुराणों में वर्णन तो बहुत था, लेकिन ये नहीं कोई जानता था कि ये जगह वृंदावन है। राजनीतिक कारण, भौगोलिक कारणों से वृंदावन बहुत बदल चुका था। जिस समय हरिवंश महाप्रभु राधा वल्लभ लाल को यहाँ लेके आए हैं, मदन टेर ऊंची ठोर करके स्थान, वहाँ पे उन्होंने लताओं के मंदिर में ही राधा वल्लभ लाल को विराजमान किया। उन्होंने अपने जीवन काल में इस श्री वृंदावन में किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन को बैन रखा। उन्होंने यहाँ किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं होने दिया। बड़े बड़े राजा आए उनके समय में, सबको वापस लौटा दिया, कोई को आज्ञा नहीं दी कि यहाँ नीम खोदें, पत्थरों का काम करें। यहाँ विशुद्ध लताओं का मंदिर बनाया उन्होंने राधा वल्लभ लाल के लिए, और वहीं पे निरंतर सेवा करी है। वृंदावन धाम दर्शन यात्रा हेतु जो यात्री यहाँ आते हैं, वो अपने मन मंदिर में श्री राधा वल्लभ जी की मनमोहनी सूरत बसाकर पैदल या वाहनों से यात्रा आरंभ करते हैं। श्री हित ब्रज 84 कोस यात्रा का आयोजन समय समय पर यहाँ होता रहता है। इस परम पवित्र यात्रा का सौभाग्यमयी दर्शन करने से पहले श्री राधा वल्लभ जी की श्रृंगार आरती दर्शन करके इसके बाद हम मंदिर से भव्य शोभा यात्रा के साथ इन मंगल बाजों गाजों के साथ नाचते गाते चिरघाट यमुना जी की ओर बढ़ रहे हैं। ये चिरघाट है, यहाँ पर यमुना जी का पूजन हो रहा है। भजे कलिंद नंदनिं दुरंधरमोहरंजनिं रसैक सीम राधिका पदाब्ज भक्ति साधिका तदंग राग पिंजर प्रभात पुण्य मंजुला स्वरोच सात सोविताम कृतांजना दिगंजना भजे कलिंद नंदनिं दुरंधरमोहरंजनिं। विधिवत आचार्य पूजन के बाद यात्री वृंदावन दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। मथुरा में द्वारकाधीश जी का दर्शन करते हैं। विश्राम घाट पर थोड़ी देर विश्राम के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि, जहां भगवान श्री कृष्ण का जन्म कंस के कारागार में हुआ था, वहां पहुंचते हैं। यह स्थान आज भी भक्तों के असीम आस्था का केंद्र है। उसके बाद भूतेश्वर महादेव, मधुबन, ध्रुव जी की तपस्या स्थली है यह, लबनासुर की गुफा, कृष्ण कुंड, दाऊ जी, तालबन, श्री ताल बिहारी जी का दर्शन करते हुए श्रीवाद धाम, हितगढ़ वंशी अवतार श्री हित हरिवंश महाप्रभु की जन्मस्थली। यह स्थान श्री राधा वल्लभ जी मंदिर से जुड़ा हुआ एक अभिन्न स्थान है। यह श्री राधा वल्लभ जी के अभिन्न अंग के रूप में माने जाते हैं। कृष्ण सरोवर, श्री राधा रानी का दर्शन, व्यास भवन, तारा महल, श्री हित बट वृक्ष, कहते हैं इसी स्थल पर श्री राधा वल्लभ जी का प्रकाट्य हुआ था। फिर हम कुछ देर विश्राम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। शांतनु कुंड, श्री सूरदास जी की भजन स्थली, श्री गुसाई जी की बैठक, चंद्र सरोवर, मानसी गंगा, चकलेश्वर महादेव, श्री हरिदेव जी का दर्शन, दान घाटी, श्री गोविंद कुंड, श्री पुछरी का लोढ़ा,
श्याम ढाक, जत्तीपुरा, मुखारविंद, कुसुम सरोवर, श्री राधा कुंड, श्री श्याम कुंड, श्री हित हरिवंश महाप्रभु की बैठक, श्री राधा बल्लभ घाट, ये सब श्री राधा बल्लभ जी से जुड़े हुए अनुपम दर्शनीय तीर्थ स्थल हैं। श्री कृष्णदास जी की समाधि, श्री रघुनाथ दास जी की भजन स्थली, फिर कुछ देर विश्राम के बाद दीघ, लक्ष्मण मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, लाला का कुंड, खो, आदि बद्री, यमुनोत्री, गंगोत्री, लक्ष्मण झूला, नर नारायण पर्वत, अलकनंदा, श्री गौरी कुंड, केदारनाथ, शेषनाग, रुद्रवन, चरण पहाड़ी, कदम खंडी, नागाजी की समाधि, रास मंडल। इसके बाद कुछ देर पुनः यात्री विश्राम करते हैं और आगे श्री कामवन, विमल कुंड, श्री राधा वल्लभ जी दर्शन, श्री मदन मोहन जी, श्री गोकुल चंद्रमा, श्री गोविंद देव जी, श्री गोपीनाथ जी, रामेश्वरम महादेव, मन कामेश्वर महादेव, श्री वृंदा देवी, 84 खंभा, चारों युग के महादेव, भोजन थाली, चक्र तीर्थ, श्री बलदेव जी के चरण चिन्ह, काम सरोवर। के बाद यात्री कुछ देर विश्राम करते हैं। बरसाना, पीली पोखर, श्री बृषभानु कुंड, साकरी खोर, चिकसौली, गहवर कुंड, श्री हित कुटी, श्री मोर कुटी, श्री दानगढ़, श्री मानगढ़, जयपुर मंदिर, श्री जी का मंदिर, श्री नागरीदास जी की समाधि, राधा बाग, कृष्ण बाग, ऊंचा गांव, श्री ललिता सखी का विवाह स्थल, चित्र विचित्र शिला, ललिता कुंड, त्रिवेणी गंगा, दाऊ जी का दर्शन, सखी कूप, देह कुंड, वेणी शंकर महादेव, पिसाई की झाड़ी। के बाद फिर यात्री कुछ देर विश्राम करते हैं। आगे प्रेम सरोवर, संकेत बिहारी का दर्शन, नंदगांव, दुर्मिलवन, यशोदा कुंड, हाव बिलाव, दधिमथानी, काजरवन, चरण पहाड़ी, पावन सरोवर, मोती कुंड, मोती बिहारी, टेर कदम, आशेश्वर महादेव, कोकिलावन, कोकिल बिहारी, कोकिल कुंड, कोसी, गोमती सरोवर, द्वारकापुरी। के बाद फिर यात्री कुछ देर विश्राम करते हैं। फालेन, प्रहलाद कुंड, श्री प्रहलाद जी के दर्शन, पैगाँव, खेलन वन, एचा दाऊ जी, विहार वन, अक्षय भट्ट, तपोवन, चीरघाट, कात्यायनी देवी, नंद घाट, नंद बाबा दर्शन, गरुड़ गोविंद। फिर यात्रीगण कुछ देर के लिए विश्राम करते हैं। राधा वल्लभ जी के मंदिर से दूध की धारा से नृत्य कीर्तन मंडली द्वारा श्री वृंदावन धाम की पैदल परिक्रमा एवं यमुना स्नान, क्षमा याचना, आचार्यों द्वारा प्रवचन गोष्ठी एवं रात्रि में श्री राधा वल्लभ जी के विवाह उत्सव एवं परिक्रमा समापन। जय जय श्री हरिवंश, राधे राधे का मंगल गान करते यात्री पूरे क्षेत्र में इस मंगलमय यात्रा के माध्यम से रस रानी श्री यमुना जी, श्री गिरिराज जी एवं परम पावनी रजरानी से अभिषिक्त होकर आप सभी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम पात्र हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप अविरल वेणुनाद का रसास्वादन आपके हृदय में श्री जी की अनंत लीलाओं का सृजन करता है। श्री हित हरिवंश जी की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री वनचंद्र भगवान की जय, श्री वनचंद्र भगवान की जय। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। प्रेम के स्वरूप राधा बल्लभ जी आज पूरे संसार के लोगों को एक अद्भुत आध्यात्मिक संदेश दे रहे हैं कि अगर आपको इस संसार में कुछ पाना है तो प्रेम को बढ़ाना होगा, उसी से परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है
उसी से प्रकृति की रक्षा हो सकती है, जिस तरह पहले लता कुंजों में राधा बल्लभ जी रहते थे, फिर बाद में इस प्राचीन विशाल मंदिर में आए और फिर काम वन से लौट करके आज इस मंदिर में पूजित है, वो उसका मुख्य कारण प्रेम है। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं हरिशंकर तिवारी, राधा बल्लभ मंदिर, वृंदावन।